जनपद संभल के ग्राम धुरेट में लगाया गया विद्युत समाधान केंद्र मीडिया के पहुंचते ही मीडिया से बचते हुए दिखे विद्युत विभाग के कर्मचारी। समाधान न होने से ग्रामीणों में है रोष। ग्रामीणों का आरोप है कि 18 घंटों में केवल 8 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल रही है। प्रशासन आखिर क्यों है मौन? विभाग के कर्मचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं? संभल, बिजली विभाग बिल बनाने में मनमानी कर रहा है। बिजली का बिल आंख मूंद कर बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से अपना पैसा वसूलने के लिए बिजली विभाग अभियान चलाया करता है, ठीक उसी तरह बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा बिल को ठीक करने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जाए। ऐसे कई मामले सामने हैं जब उपभोक्ता का बिल कई गुना आया है, तो इस समस्या को लेकर उपभोक्ता ने बिजली विभाग से शिकायत भी की है। इस शिकायत को उच्च अधिकारियों को गंभीरता से लेनी चाहिए, ताकि पूरे जिले के बिलों को ठीक कराया जाए एवं जनता इधर उधर ना भटके और सही समय पर काम हो जाए। इसके साथ ही गलत बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना ना हो। लियाकत अली, कौन सा गांव है? दुरेटा। क्या मामला बिजली? बिजली का 2000 रुपए पहले आया था 6,150, फिर अगले महीने 8,300, फिर आया 10,600। तो आपने किसी से बात करी? शिकायत को सुनने वाला है ना, कहीं चले जाओ। आप जय साहब आए थे क्या? हम आए थे, निकल गए। पहली बार हम तो खुद ही इसलिए भाग कर रहे हैं। बैस बिल तो पहले एक साल से पहले सही बिल आ रहा था, अब तो बहुत बिल आ रहे हैं बेसाब। हमको ट्यूबल तो बिजली थोड़ी ट्यूबल चला रहे हैं, कोई ट्यूबल चल रहा है चक्की का कनेक्शन कराने बाद वही 7 घंटे मिलती है, 6 घंटे सब मिली कितनी दिन 18 घंटे मिल लीजिए। यहाँ पे आधे से पहले से मुख्यमंत्री नहीं, अगर मान लो घरेलू कनेक्शन के इतने बहुत से बिल। कहाँ से? ब्रेटे से। क्या समस्या आपकी बिजली? अरे बिल भैया 24 महीने का 50,557 रुपये आया, 97 रुपये आया। बिजली कितनी आती है यहाँ? बिजली आती है 10 घंटे आती है बस। बिजली अलाउड कर रखा है, मुश्किल से 10 घंटे रखा है, वैसे 18 घंटे दे रखा है, 18 घंटे बत्ती मिलेगी। बच्चों आप क्या चाहते हैं? बत्ती मिलनी चाहिए, कनेक्शन सही होने चाहिए, बिल 250 या सवा 200 रुपए आना चाहिए। फिक्स रेट चाहते हैं गांव का, हम एक अपना नहीं पूरे गांव का समाधान चाहते हैं। आपका समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे? हमारा समाधान नहीं हुआ वह तो कंप्लेंट पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे अगर समाधान नहीं हुआ तो। समाधान नहीं हुआ तो 2,000 या 2,500 रुपए महीने का बिल कौन जमा करेगा? क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। जैसे इसमें भी बरेटा में बरेटा गाँव में तो बिल महंगे आ रहे हैं, किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी 1,84,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है 14 महीने में, तो क्या कर दिया इसमें? हम सही करा देंगे बिल, रीडिंग वेरीफाई करके हमारे पास रीडिंग वेरीफाई करके उनका बिल सही करा दिया जाएगा, उनका बिल कम हो जाएगा। जैसे अब 1,84,000 रुपये में देने पड़ेंगे या नहीं? नहीं कम हो जाएगा, जितना भी बनेगा उतना जमा करना पड़ेगा। ये करीब इन्होंने 6 महीने से भागते हुए होगा, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा अभी इनको बिजली घर पर भेज दीजिए, अभी करा देंगे। इतने लोगों का सर ये आरोप? लोगों का नहीं कराएंगे, जिसका आप बता रहे हैं जिसका खराब है उसका ही कराएंगे। सर कुछ इस तरह से आरोप लगा रहे हैं लोग कि जैसे ज़्यादा बिल आया है तो कुछ पैसे देकर के कम कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ इसके द्वारा ऐसे कैसे कम होता है? जैसे मीटर में जितनी रीडिंग होगी इतने ही तो रीडिंग लेकर के बिल बनाया जाएगा, बिल से ज़्यादा रीडिंग का बिल कौन दे सकता है? ये तो सब सिस्टम ऑनलाइन है, अगर आपका 10 रुपये भी ज़्यादा जमा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें कहीं आपको करप्शन नज़र नहीं आता, भ्रष्टाचार वगैरह कि जिस तरह से बिल 1,84,000 है उसको कम कराने के एवज में कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, इसके बारे में इसके द्वारा मांगे गए लाइनमैनों के द्वारा? तो लाइनमैन के बिल सही करते हैं? ऐसा देखिए, बिल संशोधन कार्य उपकेंद्र कार्यालय में होता है, और जब आदमी उपकेंद्र कार्यालय में जाएगा वहाँ से जे के पास रीडिंग वेरीफाई करने के बाद हो रहा है, तार जोड़ने के 500 रुपये लेते हैं, सरकारी लेन देन नहीं है क्या? जो आदमी आरोप लगा रहा है कि 500 रुपये लेते हैं, जो आदमी 200 रुपये का बिल नहीं दे रहा वो 500 रुपये लाइनमैन जोड़ने के दे देगा? 200 रुपये के बिल पर तो लड़ रहे हैं हम लोग, उससे 200 रुपये बिल कैसे आ रहा है हमारे घर पे, क्योंकि 500 रुपये लाइन जोड़ने के देगा? ये सर ऊपर से आदेश है 18 घंटे का लाइट के, तो आप कितने घंटे लाइट? हमारे यहाँ 13-14 घंटे लाइट मिल जाती है।